I would have never ever left singing. I used to love singing. मुझे इश्क था लाइव कॉन्सर्ट. मैंने अपनी जो लाइफ गुजारी, मैंने कभी शराब नहीं पी, डांस पार्टी नहीं की, मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैंने बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए. एंड सम बैड थिंग हैपन टू मी, तो हुआ ये कि आई वॉज गेटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इवन सब खत्म हो गया है. खाना काबा के सामने बैठ कर उन लोगों को जिन्होंने सब कुछ किया और जो अभी तक उसको शेयर कर रहे थे. जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. ये सिलसिला हम कोशिश करते हैं कि टेलीविजन में हमें लिबर्टी नहीं मिलती कि जरा दोस्तों से, लोगों से वैसे एक नशिस्त करें. सोशल मीडिया पर ये लिबर्टी मिल जाती है, इसलिए जब भी किसी ऐसे फर्द से रब्ता हो कि जिससे कनेक्शन हो, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ. तो राबी पीरज़ादा एक ऐसा नाम है जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं. हमारा बड़ा पुराना, बड़ा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है बहुत अरसे से, बहुत सालों से. और ऑफ कोर्स बाकी आप सब इनको इनके काम के हवाले से, इनके फ़न के हवाले से. राबी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यूँ भी है कि राबी को मैं और आप सब ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, वो तो एक अलग, लेकिन वैसे हम लोग पहले उनको एक अलग हवाले से जानते थे, उनकी आवाज़, सिंगिंग और वो शोबिज़ की दुनिया में. और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दूसरी राह को चुना, तो फिर हमने एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर मेकिंग दिस डिसीजन. ज़ाहिर है इंसान का ज़ाती मामला होता है, इसकी बेस पर हम किसी को अच्छा या बुरा जज नहीं कर रहे हैं, हम कौन होते हैं, लेकिन बड़े गट्स चाहिए होते हैं इंसान को इस तरीके का एक डिसीजन लेने के लिए. तो फिर राबी ने अपनी ज़िंदगी में पूरी एक तब्दीली लाई, तो अब सब उस हवाले से जानते हैं. तो राबी पीरज़ादा कराची है, तो हमने कहा कि जरा ये मौका तो यूटिलाइज करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक है? मैं ठीक. किधर गायब है यार आप, तो कई सालों से पता ही नहीं कुछ. आखिरी हमने लंदन के सफर में हम साथ थे. हाँ. उसके बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है. रास्ता वैसे रहा लेकिन मुलाकात आज हो रही है. एग्जैक्टली मैं बस कुछ, मैंने कहा कि अब अल्लाह ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करूँ. तो आई एम ऑन माई जर्नी टूवर्ड्स अल्लाह एंड टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी. यानी अच्छा, मेरा सवाल भी यही था. मैं सोचा था कि पहली बात ये पूछूंगा कि आज मैं जिस राबी से मिल रहा हूँ, व्हेन वी मेट लास्ट, इट वाज आई थिंक 2-3 साल पहले रफली. सो ये वाली राबी पीरज़ादा में और जिस राबी पीरज़ादा से मैं मिला था कोई 3 साल पहले, क्या ये इसमें कितना फर्क है? कुछ तो आपने नोट कर लिया होगा कि वो राबी बहुत बोलती थी और बिल्कुल चुपनी होती थी और बहुत एक्टिव थी. हाँ. शी कुडंट सिट. हाँ. और एक शोख चंचल लड़की. अब ऐसा लगता है जैसे ठहराव आ गया है. अब ऐसा लगता है जैसे जो चीजें जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थी वो मीनिंगलेस हो गई. फॉर एग्जाम्पल दौलत, शोहरत, सेकेंडरी हो गया है, सब खत्म हो गया. अच्छा, इररिलेवेंट हो गया बिल्कुल. वजह क्या हुआ है? सॉरी अभी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. आप बिल्कुल बिल्कुल आप जितना मर्जी बोले. हाँ. वजह यह है कि एक नॉर्मल मजदूर होता है, वो सारा दिन में दिहाड़ी के लिए काम करता है कि मैंने 1000 रुपये करने हैं. एक जो बेचारा नौकरी करता है वो अपनी नौकरी के लिए, एंड ऑफ द मंथ के लिए काम करता है कि वो करे. फिर बिजनेसमैन होता है, वो 5-10 साल की प्लानिंग करता है. हाँ, सही. और जो बहुत ज़्यादा जिसको अक्ल आ जाए वो आफ्टर लाइफ की प्लानिंग शुरू कर देता है. तो वो सम हाउ अल्लाह ताला ने मुझे एकदम से रियलाइजेशन करा दी कि हिटलर भी मर गया, बहुत बड़े बड़े सिकंदर आजम मर गया. और सिकंदर आजम का तो पता है मरते हुए उसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर रखना, कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ. तो ये रियलाइजेशन डायरेक्ट अ वेरी यंग एज और इतनी सल्तनत, इतनी बादशाही थी आधी दुनिया, किस आलम में गया, दुनिया भर की हकीम आए उसका इलाज. माइकल जैक्सन की जैसे आप कह रहे थे कि वो अपने साथ कितने वो रखता था. आई बिलीव इज के वी ऑल हैव एन एंडिंग. और हम जिस माशरे में, जिस एनवायरमेंट के अंदर हैं, वहाँ पर वी आर बीइंग फोकस्ड ऑन आर सराउंडिंग्स. हमने रात को क्या खाना है, हमने क्या चीज़ खरीदनी है, हमने कौन सी गाड़ी लेनी है, हमने कौन सा घर लेना है. हमें अपना असल घर, जिसके अंदर दुनिया ने हमें छोड़कर खुदाफिज कह के अपने प्यारों ने आ जाना है, हमें उस असल घर की फिक्र ही नहीं है. तो वो ऐसी कोई अल्लाह ने इनवर्ड आँख खोली मेरी. और वो उस वक्त खोली जब मुझे एक टाइम था दैट आई एक्चुअली डिडंट वॉन्ट टू लिव, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट वॉन्ट. मैं अभी भी ये कहती हूँ, मैं कभी कभार जिंदा रह रहे कि थक जाती हूँ. मैं कहती हूँ बस यार इतनी जिंदगी होगी. हाँ, इट्स इनफ. बट अगेन, बट आई हैव नाउ, अल्लाह हैज गिवन मी सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यही प्लानिंग करती रहती हूँ कि यार अगर इफ आई एम नॉट अलाइव, मैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी सोचती हूँ. यार ये मेरा स्कूल चलता रहे, ये औरतों का रिस्क लगा रहा है, ये फलानों का इलाज होता रहा. तो वो अल्लाह ने बस जिंदगी बदली. तो राबी, यानी अगर मैं क्या ये कहूँ तो ठीक है, जिंदगी में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो कि हमें उस वक्त तो लग रहा होता है ना कि यार ये क्या हो गया, ये तो एंड ऑफ लाइफ है. अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर.
अल्लाह ताला हम सबको कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है, कभी किसी आजमाइश में डाल के आजमाता है। सो आज जब आप इतने अरसे बाद व्हेन यू लुक बैक, तो आपको लगता है कि वो जो भी एक फेज आया आपकी लाइफ में उसने अल्टीमेटली, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो आपके लिए अच्छा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो फेज आपके लिए ये पॉजिटिव टर्न ले आया कि वरना आप शायद आपको इस तरफ ले आया वो सब कुछ जो कि वरना शायद आप ना आती। Am I right? You're 100% right. I would have never ever left singing. I used to love singing. मुझे इश्क था लाइव कॉन्सर्ट से, गाने से, ट्रैवलिंग से, द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लीडिंग। लेकिन यू आर राइट कि अल्लाह नोज, एक अल्लाह के प्लान्स होते हैं, एक हमारे प्लान्स होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बड़ा गौर किया कि मैंने, आप मुझे पर्सनली जानते रहते हो और आप काफ़ी सच भी बोलते हो, और आजकल तो मुझे वैसे जर्नलिस्ट के सच से डर भी लगता है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कि मैंने अपनी जो लाइफ गुजारी, मैंने कभी शराब नहीं पी, डांस पार्टी नहीं की, मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैंने बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए, मैंने अपनी लाइफ बड़ी स्ट्रेट रखी और मुझे इस पर ना फ़ख्र था और शायद गरूर था। और वो गरूर मेरा ऐसा टूटा कि वट एवर आई वॉज नॉट, आई वॉज सराउंडेड बाई दैट एनर्जी एंड आई वॉज लिटरली शो एंड आई वॉज लाइक, मैं अल्लाह ताला से बातें करती थी, अल्लाह वो फलानी को देगा तो वो तो ये करती थी, वो फलानी वो देगा, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। आपने बात की अल्लाह जैसे अकेले में कि व्हाई ये क्यों हुआ, व्हाई मी, आई वाज लाइक, मैं कहती और मैं अल्लाह को नाम लेके मिसालें देके मैं अल्लाह से बकायदा बातें करती थी, और फिर मैं कहती थी कि वो फलानी का देखा था, वो फलानी को उसने वो गाड़ी मुझे ऑफर की थी, मैंने नहीं ली, वो फिर उसने बंदे ने की थी, वो फिर उसने ले ली थी, मैं भी तो कर सकती थी, मैं अपनी जिंदगी को बहुत बुरा कर सकती थी एंड आई कुड लीड अ यू नो वर्स लाइफ। लेकिन उसके साथ तो ये नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये हो गया। साथ ऐसे क्यों हो गया? तो फिर मुझे पता चला कि एक चीज होती है उसको, जो मेरे पर भी टाइम आया, रस्सी दराज वाला, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड द नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। उसमें जब आप करते हैं, व्हेन सम बैड थिंग हैपन टू मी, तो हुआ ये कि आई वॉज गेटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इवन हॉलीवुड, और मैं हैरान हो रही थी। एग्जैक्टली, और मैं हैरान ये हो रही थी बिकॉज इस तरह होना नहीं चाहिए था कि वो चीज़ें अगर मेरे पास नॉर्मल जिंदगी में आती हैं तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी बंदी तसव्वुर करती हूँ, और ही होती फिर। हाँ। लेकिन वो जब इस तरह आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे आई एम बीइंग टेस्टेड, और मैं बड़ी अजीब से दिमाग की बंदी हूँ, मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ भी जो है, मैंने आज तक ज़िंदगी में अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो मैंने दुनिया की क्या सुननी थी। लेकिन मैं बड़ी मायूस, मुझे ना आपको उस वक्त लगा कि सब खत्म हो गया है, उस वक्त खत्म हो गया थी एंड आई वांटेड टू किल मायसेल्फ एंड आई कुडंट डेयर टू किल मायसेल्फ, मुझे पता है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं ना बट वो थॉट्स आ रही थी कि हाँ, मैं क्या करना है, कि अल्लाह बस मैं उठूं ही ना, मैं सुबह उठूं ही ना, तो बस वो फिर देयर वाज अ फियर ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड एट दैट टाइम कि यार अब मैं क्या, नो, अच्छा, नॉट एट ऑल, मैंने जिंदगी में डरना तो सीखा ही नहीं, बट देयर वाज अ फियर और फेसिंग अल्लाह कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बुराइयों से मैं बची, लेकिन ये ना हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह जारिया बन जाए, मुझे उस वक्त भी डर लगता था, मुझे सिर्फ ये डर था कि मेरी कोई ऐसी बात कि मैं कल मर जाऊँ या परसों मर जाऊँ तो वो मेरा गुनाह एक मेरे साथ साथ चलता रहे। दुनिया का फेयर तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, दुख होता था। और मैं बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ना दुआ की ताकत तो महसूस की, मैंने बददुआओं की ताकत महसूस की थी उस टाइम, मैं इतनी एनर्जी से बददुआ दिया करती थी, और मेरी एनर्जी तो आपको पता है कि जानवर भी समझते हैं, सांप, शेर, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई गॉट, और मैं उस एनर्जी से जब बददुआ दिया करती थी खाना काबा के सामने बैठ कर उन लोगों को जिन्होंने सब कुछ किया और जो अभी तक उसको शेयर कर रहे थे और मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, तो वो मैं अब सोचती हूँ कि अब मैं उनको अगर कह भी दूं कि वो एक ऐसा टाइम था कि अल्लाह का जो अजाब है ना, मैंने उसको पुकारा था कि अल्लाह इन लोगों पर अपना अजाब डाल दे। तो हमें अपनी हर बात कहते हुए, कमेंट करते हुए, शेयर करते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं हम अपना एक मुस्तकिल एक नुकसान तो नहीं कर रहे, और बहुत सारे लोगों ने किया। Yes. अभी भी हम ये करते हैं, हम अभी भी कोई किसी की बुरी बात होती है, बुरी बात तो चलो छोड़ो, हमारे जो आइडियलाइजिंग होती हैं वो डांसिंग गर्ल्स होती हैं, हम ऐसी ख्वातीन को करते हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारा मुआशरा ख़राब कर रही हैं, जो लड़के हैं वो जो ख्वातीन की तरह बातें करते हैं हम उन्हें एक लेवल पर ले जाते हैं, और जो ख्वातीन जो हैं वो डांसेस करती हैं हम उन्हें वायरल करते हैं, तो हम खुद अपनी सोसाइटी को अपनी आने वाली नस्ल के लिए वेनमस कर रहे हैं। मैं एक एक अगेन मुझे भी बोलने की बहुत सारी आदत है ना, तो मैं एक कहूँ, मैं लोगों से भी कहूँ कि भाई
अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाता है। सो अगर मैं और आप, यानी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही गुनाहगार, बहुत ही एक घटिया आदमी हूँ, बहुत ही गुनाहगार आदमी, लेकिन मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन अपनी एक सोच बता रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत डेयरिंग होना चाहिए। ये बड़ी जुरत का काम है, ये एक टक्कर लेने का काम है ऊपर वाले से कि अल्लाह तू तो लोगों के ऐबों को छुपाता है, मैं वायरल करूँगा, मैं बताऊँगा कि कौन कैसा है। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इतना गुनाहगार आदमी, मैं किसी को क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि भाई किसी के ऐबों पे बात वो करे जो खुद ये दावा कर सकता हो कि उसका अपना दामन साफ है। तो हम सब बहुत गुनाहगार लोग हैं, कोशिश करते रहना चाहिए कि अपना दामन साफ रखें, और किसी का अगर कोई ऐब, किसी भी हवाले से मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसको मतलब मुझे हैरत होती है, मतलब मुझे हैरत जब मैं मुअज्जिज़ीन को ये कहते हुए सुनता हूँ। मेरे साथ ये हुआ पिछले दिनों, जब कुछ पॉलिटिशियंस के हवाले से कुछ मामला आता है, सच्ची झूठी कुछ भी, कि फलां का ये लिख, और मुझे हैरत है कि लोग कहते यार तुम्हारे पास तो होगी, जरा भेजना। तो मैं कहता था कि यार ये मज़े लेने की चीज़ नहीं है भाई, ये इंजॉय करने की चीज़ नहीं है। तो ये मैं बहुत हाथ जोड़ के कहूँगा कि एक तो ये कि भाई हम जजमेंटल ना हो किसी के बारे में, अल्लाह ताला को पता नहीं किसकी कौन सी अदा पसंद हो, और ख़ास तौर पे किसी की ज़ाती ज़िंदगी का जो मामला है, मुझसे अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूँगा कि भाई एज अ सोसाइटी हम एक तय कर लें कि यार किसी की ज़ाती ज़िंदगी का जो मामला है ना, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ाती ज़िंदगी में कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको प्रोमोट कर रहा हूँ, ऑफकोर्स नॉट, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी सुधार लूँ, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं उसको ये साथ ना दूँ कुछ करने में, अगर मुझे लगता है वो गलत कर रहा है, लेकिन कम अज़ कम उसकी तशहीर का बायस तो ना बनूँ, उसको तो मैं एडवर्टाइज़ ना करूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ यार कि आप बाकी सब छोड़ दें भाई, सेल्फिश होकर सोच लें तो आगे जो ये काम कर रहा है उसकी अपनी भी होगी ना, कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी, घर वाले होंगे, यही सोच के छोड़ दें कि भाई ये पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। सो ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह करे कि हम टाइम के साथ चीज़ें सीख सकें, कि हमें इतनी जरूरत हो कि अच्छा यार किसी का पर्सनल स्टफ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इवन सी दिस, फॉरवर्ड करना दूर की बात है, मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि वो उसके और अल्लाह का मामला है, मैं अपना और अपने अल्लाह का मामला दुरुस्त करो, अल्लाह करे। सो अभी मैं बस आगे बढ़ता हूँ, आप अगर लाइफ में कभी सोचें, मैं आपको चूंकि बहुत ही ज़ाती आपका मामला है, तो अगर आप लाइफ में कभी आपको लगता है कि अ टाइम विल कम व्हेन यू वुड थिंक कि यू विल टेल पीपल के उसका बैकग्राउंड क्या था, या यू जस्ट वांट टू, क्या छोड़ो यार बस वो हो गया, क्या है? देखिए सबसे मैं सॉरी बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत बोल रहा हूँ मैं आपसे, दोस्ती का भी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ कि मतलब अभी आपने जो सारी बातें की ना, तो हो सकता है जहन में सवाल आ रहा हो कि अच्छा आपने ये भी कहा कि मैं आई वॉज वॉन्टेड टू दिस, आई वॉज वॉन्टेड टू दिस, तो फिर वो क्या था? बट आई कैन नॉट आस्क यू कि वो क्या था, बिकॉज आपका ज़ाती मामला, बट यू थिंक कि कभी भी आपने वो बताना है लोगों को, या जस्ट वॉन्ट के पसंद? मैं सिर्फ एक बात कहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, और चूँकि आपके आप उन कुछ लोगों में से जिनके फॉलोअर्स मुझसे ज़्यादा हैं, आई वुड लाइक टू शेयर इट हियर, कि मैं बड़े दिल से एक बात कहूँगी कि मुझे बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये लोग कहते हैं ना कि मैं उस इंसिडेंट्स की वजह से अल्लाह की तरफ आई, ये गलत है। लोग ऐसे ख़वातीन हमारी शोबिज़ की, मेरे बाद भी पहले भी इस तरह के इंसिडेंट से ना वो और प्रमोट होते हैं शोबिज़ में, दे सम ऑफ देम दे डू इट इंटेंशनली। तो आप चाहती थी उसको अलग अंदाज़ से यूज़ कर सकती थी? मैं उसको बहुत बहुत आराम से, और 99.9% ऐसा होता है, लेकिन मैंने उस वक्त वो सारा अल्लाह के लिए इसलिए छोड़ा कि मैंने बेसिकली उस शोबिज़ को लात नहीं मारी, मैंने दुनिया को लात मारी कि मैंने आई हैव माय अल्लाह, मैं क्यों तुम लोगों की बातें सुनूं। मैंने कल को 3 फिल्में, ड्रामे, 50 कॉन्सर्ट्स, एल्बम्स और करनी थी, तो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी नहीं करा, भूल जाना था। एग्जैक्टली, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ आ गई है, सो दे कीप ऑन रिकॉलिंग इट, और मैंने दरमियान में बाद में, मैं आई विल डेफिनेटली नेवर एवर नेम द लेडीज ऑफ आर मीडिया जिनके आते रहते हैं इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और बल्कि कुछ लोग भी साथ होते हैं, वो अकेली भी नहीं होती हैं, मेरी तरह का कोई इनका वो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद पीपल फॉर गो, दे डोंट इवन डिस्कस वाई दे डिस्कस अबाउट मी, कम लोग डिस्कस करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ आई, और मेरे अल्लाह की तरफ आने में उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। मैं अल्लाह की तरफ उस वक्त आई जब मुझे ऐसा लगा जब मैं दुनिया से मायूस हो गई, और अल्लाह से पहले देखे ना, जब मैं आपको बताती हूँ कि शैतान को किस बात की सज़ा मिली थी, उसको अपनी इबादत पे बड़ा फ़ख्र था, वरना उसने गलत गुनाह तो नहीं किया था ना, इबादत पे फ़ख्र था। और आप यकीन करें, मैं अब सोचती हूँ ना, तो मुझे अपने करेक्टर पे फ़ख्र था उस टाइम पे। मैं कहती थी यार मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर की बंदी हूँ, यू नो मी, यू हैव यू नो मी, आई मीन आप तो दोस्तों की तरह थे,
तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे कितना मैं एरोगेंट करती थी, यार ये देखो ये क्या कर रही है, यार ये देखो, इट वाज रॉन्ग, आई अल्लाह विल नॉट आस्क मी कि फलानी ने क्या किया, फलानी ने क्या किया, अल्लाह विल आस्क मी कि मैंने क्या किया. सो दैट इज द क्वेश्चन. बट यू आर राइट, अब जिस पोजीशन पे मैं खड़ी हूँ तो मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह अगर तूने मुझे अपने इतने ही करीब करना था तो बेशक इससे भी बड़ी सजा दे देता. अब मुझे सब कबूल है, अब मुझे सब कबूल है, अब मुझे वो बुरी नहीं लगती. आई एम ओके, आई एम ओवर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह. और अब So, अभी लाइफ में एक तो क्या पता नहीं जानवर है और जानवर और सांप पालने का शौक ये है अभी तक बाकी है लोगों के. आस्तीन के सांप तो बहुत पाल लिए हैं लोगों के शेर आते हैं मेरे पास सताए जाने के लिए. हाँ. लेकिन मैं ये कहूंगी कि वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए. मेरे पास हैं, सांप भी हैं. देखिए वो एक अल्लाह ने जो वाइल्ड एनिमल तो कोई नहीं है ना अभी बात सब है. अब क्यों फिर वो वाइल्ड लाइफ पीछे लगवाओगे, फिर वो केस हारेंगे मुझसे. देखिये मैं उनको हार गए होगे. हाँ मैं उनको भी ये कहती हूँ. तो क्या किस तरह के दारगे थे लॉ करी ने एरोगेंस छोड़ दी थी ना, इसलिए उनको बाद में कुछ नहीं कहा. और पुरानी राबी होती तो केस हारने पे भी उनको बहुत बातें सुनाती. मैं नहीं अच्छी जाने दिया आपने बस. हाँ अब मैं लोगों को माफ कर देती. पहले नहीं माफ करती थी, फिर जब अल्लाह ने मुझे माफ किया तो मैं कौन होती लोगों को ना माफ करने वाली. क्या बात है. तो ये सांप का पालने का शौक है. हाँ अभी आपने कराची में सफेद शेर मार दिया तो मैंने गवर्नमेंट से इतनी दफा कहा है कि आई विल नॉट चार्ज, लेट मी टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, आई विल नॉट चार्ज यू अ पेनी, मुझे सिर्फ इन जानवरों को देखने दें. और अगर आपको शक है आप अपने मिनिस्टर जो भी लेकर आए जहाँ पर सांप रखें शेर रखें, आई विल वॉक इन देयर, आई विल टेल यू दैट हाउ आई डू कम्युनिकेट विद द एनिमल्स, बट लेट मी टेक केयर ऑफ देम, डोंट किल देम. बट लेकिन वो तो अरे भाई अब मैं बड़ा दिल जला उस मामले में. इस शहर में क्या बताऊं मैं, इस शहर में इंसान कुत्तों की तरह मर जाते हैं. आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड. इस शहर में ये हुआ कि एक नौजवान था, एक लाडला था, उसको गुस्सा आ गया तो उसने पुलिस वाले को गोली मार दी और वो पाकिस्तान से बाहर है. थोड़े दिनों पहले खुर्रम ने सारा नाम उसका. इस शहर में जिस शाहरुख जतोई ने जो वो शाहजेब को दिन दहाड़े, और आपको पता है खैर इस पर अलग वीडियो करनी चाहिए, शाहरुख जतोई वाले केस में शायद लोगों को याद ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है जो आपको बता रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट क्या आपको पता है मामला शुरू कहाँ से हुआ था. शाहरुख ने उस लड़की को नहीं छेड़ा था, शाहरुख के दोस्त ने उस लड़की को नहीं छेड़ा था, शाहरुख के दोस्त के कुक ने लड़की को छेड़ा था. जिस पर शाहरुख साहब को गुस्सा आ गया कि इसकी जरूरत क्या, अगर मैंने इसकी बहन को छेड़ दिया है, मेरे दोस्त के कुक ने बहन को छेड़ दिया है, तो इसकी जरूरत की इसने सामने जवाब दिया इसकी ऐसी की तैसी और उसको गोलियां मार दी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिहा हो गया माशाल्लाह. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई होप इसमें तौहीन अदालत नहीं हो जाएगी, रिहा हो गया. तो ये मैं तो बहुत ही सेंसिटिव इस मामले में, इसलिए बस छोड़े कि इस शहर में आप जानवरों की बात कर रहे हैं या इंसान जानवरों से ज्यादा बुरी नहीं गुजार रहे हैं, तो अब क्या करें इस शहर का. तो भाई आप बताएं आपकी, यार मैंने कुछ कैलीग्राफी देखी है और यार ये मैं आपको दिखाऊं नाज़रीन, ये कमाल है भाई. यानी अगर से मुझे पता है कि राबी सब कुछ करती है, फिर भी जब मैंने ये देखा तो मैं ये पूछे बगैर नहीं रह सका अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले कि यार ये सारा तुमने खुद बनाया है, ये जाहिर सी बात है. तो एंड आई न्यू इट, लेकिन ये कमाल है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. तो ये मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिखाऊं ये, तो ये हम स्क्रीन पे बाकायदा भी अलग से दिखा देंगे. लेकिन ये अल्लाह, ये अगर आप पकड़ सकती हैं तो ये अल्लाह के नाम रहीम, क्या बात है. और ये मैं एक ये ख़ास तौर पे दिखाना चाहता हूँ, ये यार ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा वैसे. अब तो कुरान लिख रही हूँ तो स्पीड काफ़ी तेज़ हो. कुरान लिख रही है. हाँ. और आपने कितने पारे लिखने हैं बताया जरा. 19 पारे कम्प्लीट लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है भाई, 19 पारे लिख चुकी हैं कुरान के. लिख रही हूँ मतलब ऐसे क्या कैलीग्राफी उसमें या क्या. कैलीग्राफी सुलस में लिख रही हूँ, कुरान लिख रही हूँ और कुरान की तजवीद और तर्जुमा पढ़ाती भी हूँ मैं ऑनलाइन में. 2 साल मैंने पढ़ाई की, सिर्फ कुरान पढ़ा, दिन रात पढ़ा और अब पढ़ाती भी हूँ. और जब ग्रामर भी सीख रही हूँ तो अब जब कुरान लिखती हूँ तो मुझे एक एक वर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आती है. और पता है हम इसीलिए कुरान से दूरी की वजह से ना, हमारा माशरा ये है, इंसाफ नहीं है. सबसे बड़ी बात, किसी माशरे को आपने किसी मुल्क को ख़त्म करना हो ना, उससे इंसाफ ख़त्म करना है. कुफर की बुनियाद पे कोई मुआशरा हो तो वो कायम रह सकता है, जुल्म की बुनियाद पे मुआशरा कायम नहीं रह सकता. और यहाँ हमारी सोसाइटी एक एक क्लासिक एग्जांपल है इसकी. सो ये आपने कुरान पाक के कब से लिखना, कितना अरसा हुआ लिखना शुरू किया. ये 1.5 साल में तकरीबन 19 सिपारे हुए हैं. ओए होए. और मुश्किल होता है क्योंकि कितना टाइम देती है उसको दिन में. वो 2 घंटे. अच्छा. 2 घंटे कुरान के होते हैं. और जब मेरा कोई पेंटिंग का ऑर्डर आ जाता है तो तब मैं कुरान नहीं लिखती, क्योंकि कुरान लिखने के लिए मुझे, मेरा सारा दिन कुरान के इर्द गिर्द ही चलता है. मैं सारा दिन सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र में गुजारती हूँ. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे कोई नेक, हाँ कोई खुद नुमाइश वाली बात नहीं है ये, मैं लेकिन भाई अगर आपकी इस बात से कोई एक आदमी भी एक मिनट के लिए भी इंस्पिरेशन लेता है तो वो सदका जारी है ना. मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि
दैट कीप्स मी इन इन पीस, वरना मुझे बेचैनी रहती है हर वक्त। हाँ जबरदस्त। So you would recommend, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, अगेन ये कोई हम नसीहत नहीं कर रहे, हम कौन हुआ, हमारी औकात क्या है नसीहत करें, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि what was I missing actually? तो आप तो माशाल्लाह रेगुलरली पढ़ती हैं, मैं तो रेगुलरली नहीं पढ़ पाता, लेट मी कन्फेस, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट है ऐसा। तो यू वुड सजेस्ट जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं कि यार उसको कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े एंड मज़ा आ जाएगा, मतलब आप कभी लाहौर है ना, मैं आपको अपने कुरान स्कूल्स हैं मेरे फोर, उनमें मैं आपको लेकर जाऊँ, उधर 80-80 साल की औरतें बेचारी बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से वो पहुँचती हैं वहाँ पर, लेकिन वो कहती हैं हमने सारी ज़िंदगी कुरान को बस ऐसे ऐसे करके पढ़ा, हमें पता तो चले हमने पढ़ा क्या है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत खैर के काम करा रहा है मुझसे, अल्लाह इसी तरह कराए। और दूसरी बात यह है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं तो ऊपर हमारा जिक्र हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं अल्लाह हर वक्त हमारा जिक्र करता रहे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अल्लाह को मैं याद रहूँ इंशाल्लाह। जाते हुए ये हो सकता है अपने राबी पीरज़ादा की आवाज़ में इतना म्यूजिक और सब कुछ सुना है, कोई कोई हम या नात का कोई एक अच्छी कोई। अच्छा मजे की बात यह कि मेरी जितनी भी हम्द और नाते हैं वो मैंने खुद लिखी हैं, आई रोट देम ऑल माय सेल्फ बिकॉज ओके। हां किसी भी कोई एक दो अशआर कुछ भी कोई मां, सॉरी एक बात सुनो इससे पहले, अगर आप मुझे बात सुनाइए ना तो या हाथ में ले ले। हां ठीक है ठीक है ठीक है। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुझसे माए जज़ो नदामत बना दे। नहीं आते कोई आदाब गुलामी, न दिल की सफाई न चेहरा नूरानी, नमाजें भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी, हिरसो हवस की सयाही मिटा दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे। क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। अभी हमारा एक छोटा सा एक ब्रांड है हमारा, तो ये उसके लिए एक छोटा सा आपके लिए एक तोहफा है डब्ल्यू बी बाय हिमानी की जानिब से, तो ये आप, वैसे हम हिमानी के ऑफिस में इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय द वे, तो ये आपके लिए एक छोटा सा एक तोहफा है, और आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। ये ब्रांड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है, इसकी 50+ आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी प्रोडक्ट जब मैं शोबिज में होती थी तो मुझे भेजी थी किसी ने, और एंड आई यूज देम, दे आर रियली गुड माशाल्लाह। सो अल्लाह ब्लेस इट, और अल्लाह आपके काम में बहुत तरक्की दे, अपना ख्याल रखें। अरशद भाई की वजह से मुझे ना बड़ी हर एक की बड़ी परेशानी रहती है, मैं दुआओं में सबको रखती हूँ कि अल्लाह, देखो अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, अल्लाह तो हम सबसे बड़ा है, तो ये जो लोग भी अपने आप को इतना इस तरह से समझते हैं कि लोगों की जिंदगियां ले जाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुनिया बड़ी ज़ालिम है, दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस व्हाइल किलिंग एनीबॉडी। सही बात है, लोग अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं। लेट्स प्रे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू पॉडकास्ट गपशप व्हाटएवर के अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के जो भी कातिल हैं उनको वहाँ पर तो अल्लाह ताला जाहिर है वो जवाब देंगे, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए, उनको रुसवा कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह। सो मैं आपसे हमेशा बहुत अलग अंदाज से मिला हूँ, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू टुडे लेट मी से आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर द डिसीजन यू हैव मेड इन योर लाइफ एंड फॉर द गट्स यू हैव शोन इन योर लाइफ, सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।